आपने बहुत सारे ऐसे महापुरुषों की तो बायोग्राफी देखी होंगी और सुनी होंगी जिन्होंने पढ़ाई शुरुआत में ही छोड़ दी या फिर अगर की तो बीच में छोड़ दी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने कि पढ़ाई में अपने देश तो क्या पूरी दुनिया में इतिहास बना दिया। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय पहले भारतीय थे जिन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी और डॉक्टर ऑफ लेटर्स जैसी डिग्रियां हासिल की थी। पहले भारतीय थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि ली थी। पहले भारतीय थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD की थी और पूरे साउथ एशिया में अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में डबल डॉक्टरेट की डिग्रियां भी ली थी। बाबा साहब एक सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट, प्रोफेसर, फिलोसोफर, एडिटर, पॉलिटिकल लीडर, हिस्टोरियन, टीचर और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतने महान काम किए थे कि पूरी दुनिया उनको आज भी याद करती है। पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश हर साल उनका जन्म दिवस 14 अप्रैल को हर्षोल्लास से मनाते हैं, जिनमें भारत, अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन मुख्य हैं। और 6 दिसंबर को नम आँखों से पूरी दुनिया उनको श्रद्धांजलि देती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने बाबा साहब को अपनी तख्ती पर सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा है तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका स्टैचू लगा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में तस्वीरों के माध्यम से उनकी महानता दर्शाई गई है तो लंदन में बाबा साहब का म्यूजियम बना है। लगभग सभी देशों में बाबा साहब का स्टैचू लगाकर तो कभी तस्वीरें लगाकर उनको याद किया जाता है। बाबा साहब के नाम से देश में विदेश में सैकड़ों लाइब्रेरियां बनी हुई हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि चीन बाबा साहब को अपनी किताबों में पढ़ाने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कांति प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बायोग्राफी के बारे में। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है, इसीलिए उन्होंने अपने देश के लिए जो किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीयों को मिलने वाली सुविधाओं के रूप में और उनके अधिकारों के रूप में वो आज भी जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता तो थे ही, लेकिन इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का वित्त आयोग जो भारत का बजट बनाता है, योजना आयोग जो भारत के विकास के लिए योजना बनाता है, देश का पावर ग्रिड सिस्टम, देश का वाटर ग्रिड सिस्टम, 14 घंटे मजदूरी के स्थान पर 8 घंटे और सप्ताह में एक छुट्टी, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, प्रसूता स्त्री को महीनों का अवकाश वो भी बिना सैलरी कटे, और नर्मदा जल परियोजना भी बाबा साहब के ही दिमाग की उपज थी। और सबसे महत्वपूर्ण, देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी बाबा साहब की ही देन थी। दोस्तों, आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी कि बाबा साहब ने इस दुनिया में रहते हुए कितने सारे संघर्षों का सामना किया था। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी महान शख्सियत जो इस देश तो क्या पूरी दुनिया में अपना नाम उन्होंने रोशन किया, जिनके बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि अगर ये शख्सियत हमारे देश में पैदा होती तो हम इनको सूरज कहते। दोस्तों, बाबा साहब कहते थे कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करता है, और बाबा साहब इस बात को भी कहते थे कि मैं ऐसे धर्म को कदापि नहीं मानता जो कि किसी एक को जन्म से श्रेष्ठ और दूसरे को जन्म से नीच दिखाता हो। ऐसा धर्म धर्म नहीं, वो एक षड्यंत्र है आपको गुलाम बनाने का। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जो संविधान मैंने रचा है, जो संविधान मैंने लिखा है, जिस संविधान की रूपरेखा मैंने तैयार की है, अगर उसका दुरुपयोग किया गया तो सबसे पहले मैं उसे जला दूंगा। बाबा साहब इस बात को भी कहते थे कि किसी भी समाज की डेवलपमेंट इस बात से तय होती है कि उस समाज की महिलाएं कितनी प्रगति कर रही हैं।
बाबा साहब ने कहा था कि भौतिक गुलामी से ज़्यादा खतरनाक मानसिक गुलामी होती है। दोस्तों, बाबा साहब इस बात को भी माना करते थे कि यदि आपको जीवन में कुछ करना है, बड़ा अगर कुछ करना है, सफल अगर होना है, तो आपको अपने अधिकारों को भीख में नहीं मांगना, उनको आपको छीनना पड़ेगा, उन्हें लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी महान शख्सियत के जीवन परिचय के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, कि उन्होंने क्या, कब, कहां और कैसे किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। बाबा साहब 14 भाई बहन थे और बाबा साहब के पिताजी का नाम रामजी सखपाल और उनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, बाबा साहब का जहां पर जन्म हुआ था महू छावनी में, वहां पर किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी। बाबा साहब के पिताजी रामजी सखपाल भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर थे। सन 1894 में उनका ट्रांसफर महाराष्ट्र हो जाने के कारण उनको मध्य प्रदेश से, महू से महाराष्ट्र में सतारा नाम की जगह पर जाना पड़ा। उस समय व्यवस्थाएं कुछ ऐसी थीं कि जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया था, महार जाति, उस जाति को अछूत जाति माना जाता था और अछूत लोगों को कहीं भी किसी के भी पास में आने जाने की आज़ादी नहीं थी। टांगे वाला उनको टांगे में नहीं बिठालता था, दुकान वाला दुकान में प्रवेश नहीं देता था, मंदिर में उनके प्रवेश वर्जित थे और कहीं भी वो किसी भी तरीके के प्रोग्राम्स में जा नहीं पाते थे। दोस्तों, सतारा में 2 साल रहने के बाद ही उनकी माताजी भीमाबाई का देहांत हो गया। उनकी माताजी का देहांत हो जाने के बाद में उनकी बुआ मीराबाई ने उनकी देखरेख की। अपने 14 भाई बहनों में केवल 6 भाई बहन ही जीवित थे। दोस्तों, उनकी 3 बहन मंजुला, गंगा, तुलसा और उनके भाई बलराम, आनंदराव और साथ में खुद भीमराव। इन 6 भाई बहनों में सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई के प्रति रुचि रखते थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, उनका एडमिशन कराने के लिए सन 1897 में एल्फिस्टन हाई स्कूल नामक स्कूल में उनके पिताजी ने दरख्वास्त दी और ये बताया कि मैं भारतीय सेना में एक सूबेदार हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे को आप एडमिशन दीजिए। उन्होंने एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए लगाई थी क्योंकि जिस समाज से वो थे, महार जाति से, और उस जाति को अछूत जाति माना जाता था और अछूत जाति के लोगों को स्कूल में पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। स्कूल में पढ़ना तो दूर की बात है, स्त्री वाले उनके कपड़ों पर स्त्री नहीं करते थे, टांगे वाले टांगे में नहीं बिठालते थे, उनके अड़ोसी पड़ोसी उनको अपने घर पे नहीं बुलाते थे, खाना नहीं खिलाते थे, और जिस रास्ते से कोई भी अछूत चला जाया करता था तो उस रास्ते पर जाना पसंद नहीं करते थे। अगर गलती से किसी अछूत समाज के व्यक्ति ने किसी भी चीज़ को छू लिया तो उस चीज़ से वो हाथ भी लगाना पसंद नहीं करते थे दोस्तों। लेकिन उस समय सबसे अच्छी बात ये थी कि भारतीय सेना में होने के कारण भारत की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई हुई थी उस समय कि जो भी भारतीय सेना में है, चाहे वो अछूत क्यों ना हो, उसका बच्चा या वो खुद पढ़ाई कर सकता है। सिर्फ इस कारण एल्फिस्टन हाई स्कूल महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एडमिशन मिला और एडमिशन लेने के बाद में बाबा साहब ने जिन संघर्षों का सामना किया, आप लोग जान करके हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, उन्हें स्कूल में वहाँ बिठाला जाता था जहाँ पर सवर्ण जाति के बच्चों के जूते चप्पल उतरवाया जाया करते थे। तो दोस्तों, आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी, उन्होंने पढ़ाई किन परिस्थितियों में की होगी। ये तो ये, साथ में दोस्तों उस क्लास का टीचर भी उनके साथ में एक तरीके से अन्याय करता था। वो उनका होमवर्क की जो कॉपी हुआ करती थी, उस कॉपी को डायरेक्ट उनके हाथ से ना लेकर के
किसी न किसी दूसरे माध्यम से या उनसे ये बोल दिया जाया करता था कि यहाँ पर दूर, मुझसे दूर इस कॉपी को रख दो, मैं वहाँ से उठा लूँगा। फिर किसी से उस कॉपी पर पानी से हाथ फिरवाया जाता था, फिर उसके बाद में स्कूल का शिक्षक वो उस कॉपी को उठाया करता था और चेक किया करता था। दोस्तों, इसके साथ ही बाबा साहब को पानी पीने की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब भी उनको प्यास लगती थी तो स्कूल का जो चपरासी हुआ करता था वो ऊपर से उनको पानी डाला करता था कि पानी पियो, तब वो उनकी प्यास बुझती थी दोस्तों। और जिस दिन दोस्तों स्कूल का चपरासी स्कूल में नहीं आता था, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्यासा ही रहना पड़ता था दोस्तों। तो कई बार तो ऐसा हुआ, लगातार तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच दिन तक उनको स्कूल में प्यासा रहना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रहे। अब आप लोग ये सोचिए कि क्या बीती होगी उन पर जब उनको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सोचा कि मैं पढ़ूंगा और इतना पढ़ूंगा, इस देश तो क्या इस पूरी दुनिया में कोई नहीं शायद पढ़ा होगा। और सन 1907 में एल्फिस्टन हाई स्कूल महाराष्ट्र से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, जिससे कि पूरे समाज में उनके और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस समय वो अछूत जाति के अकेले ऐसे बच्चे थे जिसने पूरे देश में हाई स्कूल की परीक्षा पास की हो। अब ये समाज को लगने लगा था कि अब एक सितारा आ रहा है जो समाज में समानता का भाव जगाएगा और एकता को लेकर के आएगा। दोस्तों, इसके बाद उनकी जो पढ़ाई थी वो फिर रुकी नहीं और लगातार वो करते चले गए। उसके बाद उन्होंने सन 1913 में मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा पास की और फिर उसके बाद बड़ौदा नरेश की अनुकंपा से वो 1913 में ही अमेरिका चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए करने। 1915 में उन्होंने एमए कंप्लीट की और 1916 में उन्होंने पीएचडी पर एक रिसर्च की और पीएचडी को कंप्लीट किया, जिस रिसर्च का उन्होंने नाम दिया सॉल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, जिसको कि उन्होंने एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको 1916 में पीएचडी की उपाधि दी और उसके तुरंत बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए दोस्तों। वहां से डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के दौरान उनकी स्कॉलरशिप बीच में ही खत्म होने के कारण उनको वापस इंडिया आना पड़ा। सन 1917 में वो इंडिया वापस आए और इंडिया में रह करके उन्होंने क्लर्क्स की जॉब और अकाउंटेंट की जॉब लगातार करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे किए और साथ में अपने दोस्त की मदद लेकर के वो वापस लंदन चले गए। लंदन जाकर के उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की और उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने द डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से उनको नवाजा। दोस्तों, ये डिग्री कर लेने के बाद में, ये डिग्रियां लेने के बाद में वो इंडिया वापस आए और उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के लिए लगा दिया। 1923 में इंडिया वापस आने के बाद में 1926 में उनको मुंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, जो कि 1934 तक लगातार वो रहे। 1927 में अपने अछूत समाज को जगाने के लिए, उसके अंदर जागृति की भावना पैदा करने के लिए उन्होंने एक महाड़ आंदोलन की शुरुआत की, जो कि पानी के अधिकारों को लेकर के था, जहां अछूत समाज के लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनमें जागृति पैदा करने के लिए उस आंदोलन की शुरुआत की और उस आंदोलन का कट्टर विरोध किया गया संवर जाति के लोगों द्वारा, लेकिन अंत में वो सफल रहे दोस्तों। सन 1930 में
उन्होंने कालाराम मंदिर नासिक में प्रवेश के लिए 10,000 लोगों के साथ उन्होंने प्रयास किया और वो सफल हुए। दोस्तों उनके इन कामों से पूरा हिंदुस्तान प्रभावित हुआ और हिंदुस्तान में उन्होंने एक अच्छे लीडर की अपनी छवि बनाई। इसी छवि के कारण गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले उभरते हुए लीडरों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम था। 13 अक्टूबर सन 1935 को उनको लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। उसके बाद उन्होंने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया और उसके बाद 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में बाबा साहब की पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और 15 सीटें जीत करके वो आगे आई। बाबा साहब ने 1941 से लेकर 1945 तक कई विवादित किताबें लिखी, जिसमें एक किताब का नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इस किताब में बाबा साहब ने बहुत सारे उन नेताओं का पुरजोर विरोध किया जो कि भारत के विभाजन के पक्षधारी थे। दोस्तों बाबा साहब 1947 से लेकर 1951 तक भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस दौरान बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि मैं आज एक नया जन्म ले रहा हूं। बौद्ध धर्म अपनाने के चंद महीनों बाद 6 दिसंबर 1956 को ही बाबा साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए और हमारे बीच में से एक हस्ती जिसने एकता के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, वो हस्ती हमारे बीच में से चली गई।